आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का तरीका, ठीक है ना। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप आता है जिसको हम याद करते हैं हेलेन या हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप को याद करने का तरीका क्या, हेलेन ने की रब से फरियाद। अब हम चलते हैं सेकंड ग्रुप की तरफ। सेकंड ग्रुप को हम ऐसे याद करते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है ना। अब हम चलेंगे पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली को हम याद करते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है ना, या थैला, बैगन आलू गाजर इन थैली, ठीक है ना। अब हम चलेंगे 14th फैमिली की तरफ। 14th फैमिली को याद करते हैं, कहे शिवजी सुने पार्वती, और नहीं तो इसको याद करने का दूसरा तरीका है काशी गए संत प्रभु, ठीक है। अब हम चलते हैं 15th फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली की तरफ। नेहा पास नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक सब बिंदास, नेहा पास सब बिंदास, या फिर दूसरा तरीका है नाना पाटेकर ऐसे सबको बोलेगा, या तीसरा तरीका है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब हम चलते हैं 16th फैमिली की तरफ। 16th फैमिली का बरसों से एक ही तरीका है, ओ स्टाइल से टिपो। अब हम चलते हैं 17th फैमिली की तरफ। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अब हम चलते हैं 18th फैमिली की तरफ। तो 18th फैमिली को कैसे याद करेंगे, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, या फिर हेडन ने आगरकर को 0 रन पे आउट किया, हेडन ने आगरकर को 0 रन पे आउट किया, और नहीं तो वही बढ़िया है हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। अब हम चलेंगे कौन सी फैमिली पर, अब हम चलेंगे डी ब्लॉक में 3D सीरीज पर। तो 3D सीरीज हमारी यहाँ से शुरू होगी स्कैंडियम से, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैको ना क्यों जान जलाती हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैको ना क्यों जान जलाती हो। अब हम चलते हैं 4D सीरीज की तरफ। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहों में पड़े तो आग में कूद जा। अब हम चलते हैं 5D सीरीज की तरफ। ला हफ्ता बरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता बरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया डी ब्लॉक एस ब्लॉक, और अब हम चलेंगे एफ ब्लॉक की तरफ। एफ ब्लॉक को हम कैसे याद रखते हैं, तो पहले मैं आपको बताता हूं 4F का। सिर पर नदियां
प्रेम समाई, सिर पर नदियां प्रेम समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, यूं गदगद तब दिल हुआ, यार तुम अभी लुल हो, यार तुम अभी लुल हो। अब हम चलते हैं 5F सीरीज की तरफ। तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तगड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। फिर हम चलते हैं लास्ट, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। ठीक है ना, तो मैं सोचता हूँ आपको ये याद हो गए होंगे और ट्वेल्थ के बच्चों को कम से कम 3D सीरीज 100% आनी ही चाहिए, क्योंकि पूरा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन 3D सीरीज से ही आता है। अब बच्चों एक लास्ट बात और सिखाता हूँ आपको कि 118 वाला एलिमेंट किस ग्रुप में आएगा। तो देखो इसके लास्ट में कितना नंबर है, 18, तो ये 18th ग्रुप में आएगा। 17 वाला किस में आएगा, 17 ग्रुप में आएगा। तो 15 वाला बच्चों किस में आएगा, 16 में आएगा। तो बताओ 110 वाला किस में आएगा, 10वें ग्रुप में। 106 वाला 6th ग्रुप में, और 104 वाला 4th ग्रुप में। बच्चों 103 से लेकर 118 तक जो लास्ट में दो नंबर हो वही ग्रुप नंबर होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ग्रुप, 12 ग्रुप, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। मतलब 119 वाला फर्स्ट ग्रुप में होगा और 120 वाला सेकेंड ग्रुप में होगा। ये 120 वाला एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन कि 118 वाले एलिमेंट का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका नाम है ऑर्गेनिशॉन या फिर ओजी, ठीक है ना। जैसे कोई पत्नी ठीक है ना, पति को बुलाती है, ओजी सुनते हो, तो कौन सा एलिमेंट, 118।